पटेल साहब, पटेल साहब ये क्या हो रहा है? सोच रहा है ना शुक्ला? ऐसे? हाँ वो ऐसे ही सोचता है। पर लास्ट टाइम तो ऐसे नहीं सोच रहे थे। बजट कम था ना लास्ट टाइम। हाँ वो बजट तो कम था, लेकिन भाई जी अब की बार लास्ट टाइम की तरह मिस्टेक मत कर देना। क्या मिस्टेक की थी? अरे आपने पहलवान छा बीड़ी के पहलवान को लंगोटी पहनाने के बजाय उसके साथ खड़ी लड़की को लंगोटी पहना दी थी। हाँ वो तो मिस्टेक थोड़ी थी, वो तो डेलिबरेटली किया था ना। हाँ भाई ग्लैमर, आप WWF नहीं देखते क्या टीवी पे? उसमें कैसे इंग्लिश लड़कियां इंग्लिश लंगोटे पहनकर पहलवानी करती हैं? सेम। हाँ पर वो तो WWF में ना। ओ आउट हो गया। अरे नहीं यार, अभी आपके कमर्शियल में काम शुरू नहीं हुआ है। बिस्कुट लॉन्च कर रहे हैं, अरे तो भिजवाइए ना। अरे टेस्ट करेंगे भाई, खाने पीने की चीज है, हम पहले टेस्ट करते हैं। व्हाई क्या जस्ट लाइक दैट, दिमाग चुस्त शरीर तंदुरुस्त। हाय अरे यार ये तो स्लोगन हो गया इस केक के लिए, दिमाग चुस्त शरीर तंदुरुस्त, गुड वेरी गुड। आपने देखा कैसे स्लोगन मिल गया? अरे नहीं भाई आपके लिए नहीं है, दूसरी कंपनी के लिए है। आप तो बिस्कुट भिजवा दीजिए, 2-3 क्रेट भिजवा दीजिए। ओके हैव अ ब्रेक। टीना कल के शूट की तैयारी हो गई? यस सर बिल्कुल, सुबह आपके ही ऑफिस में 9 बजे शूट रखा है। अरे यार ये किसका फोन है देखो। हेलो BNB एजेंसी, या मिस्टर पांडे जी स्पीकिंग, या ही इज हियर, हु इज देयर? आनंद होल्ड ऑन, होल्ड ऑन सर, कोई मुसद्दीलाल खेरा खेरा एंड कंपनी, या प्लीज टेक इट। हेलो भाटिया यार। भाटिया साहब मैं खेड़ा एंड खेड़ा कंपनी का सोल प्रोप्राइटर मुसद्दीलाल खेड़ा बोल रहा हूँ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर। अरे यार गले मिलने का टाइम नहीं है, काम हो तो बोलो। सर हमने एक नया साबुन लॉन्च किया है, उसके लिए मैं एक एड बनवाना चाहता था आपसे। एक और साबुन? अरे यार पब्लिक को कितना नहलाओगे, कोई खाने पीने की चीज बनाओ, स्वस्थ खाओ तन मन जगाओ। अभी तो ये शुरुआत है, वो भी हमारे प्लान में है, तो मैं सर कब मिल सकता हूँ आपसे? 11 बजे कल शार्प, बिकॉज टाइम इज मनी। ओके ओके सर आइए। ओके नाउ रेडी, उषा जी यू आर हियर इन द सेंटर, और फिर एक हाथ में झाड़ू है, दूसरे हाथ में प्रोडक्ट बॉस बीड़ी है। रिमेंबर कि झाड़ू से ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें बॉस बीड़ी को देनी है, बिकॉज दैट्स आवर प्रोडक्ट। ठीक है तो एक रिहर्सल देखें। नो सेल ऑन द सेट। सॉरी सर। हेलो, हाय हाउ आर यू? आई एम शूटिंग टुडे। या यू आर आल्सो शूटिंग? बट आई एम शूटिंग टुमारो आल्सो। यू आर नॉट शूटिंग टुमारो ना? But I'm shooting so lucky, no? भाटिया जी कितनी बार कहा है प्रोफेशनल आर्टिस्ट को बुलाओ, ये प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव को खड़ा कर दिया, ये देखो मेकअप लगाते ही हीरोइन बन गई है। तो डोंट वरी पटेल, हैव अ ब्रेक। उषा जी टेक योर टाइम, अगर बजट बढ़ेगा तो आपकी पेमेंट से काट लेंगे। हाँ हमारा मोटो है दाम में कम काम में दम। सॉरी सर, चलिए हम लोग टेक करते हैं। देखने एक रिहर्सल और करनी पड़ेगी। अरे कोई कुर्सी दे दो यार। लाए सर लाए लाए। अरे पांडे जी क्यों नहीं, आप एक्टर हैं, एक्टर समझे? ओके सर सॉरी, रेडी नो कुर्सी। हाँ जाइए बाहर जाइए। ओके रिहर्सल देखते हैं, एक्शन। एक्सक्यूज मी बॉय, वेयर इज योर बॉस? दिस इज माय बॉस। आर वी जोकिंग? नो आई एम जोकिंग। यू आर गिविंग मी पल्टास। This is right choice, boss. यही है क्या बदतमीजी है? Very good, very good. बहुत अच्छा था रिहर्सल। और उषा जी अभी आपको पता है टेक में क्या करना है, पता है ना? बराबर। पांडे जी को यूं ऐसे गिरा के उनके सीने पर पांव रख देना, और फिर बीड़ी का एक कश लेना, और फिर स्लोगन बोलना। स्लोगन क्या है? अरे भाई शुक्ला कहाँ हो, स्लोगन लिखा कि नहीं? सर हाँ अब बोलो, स्लोगन लिखा? पान थूक दो यार। पान का आदत हो गई है बोलने की। आदत हो गई तो समझेंगे कैसे? बॉस बीड़ी सर की सीढ़ी। बॉस बीड़ी स्वर्ग की सीढ़ी। क्या डेप्थ है, आई जस्ट लव दिस गाय। कौन बाप कौन है तुम्हारा? चलो चलो ओके नाउ टेक करें, फील क्लियर शुक्ला, कम ऑन गेट आउट पोजीशन। उषा जी यस सर, और तुम्हें मैं बुलाऊंगा तब आना। ओके पांडे? पांडे कहोगे तो कहां से आऊंगा? ओके रेडी? यस सर। लाइट्स टीना बेबी क्लैप रोल। Rolling. 1x2, take 1. Action! Pandey, aa jao. Pandey, andar aa jao. Are Pandey, entry karo na yaar.
एक्सक्यूज मी भाई, वेयर इज योर बॉस? दिस इज माय बॉस। ये कौन आ गया बीच में? कट करो। नहीं नहीं चलने दो यार, नेचुरल लग रहा है। आई एम जोकिंग। नो आई एम जोकिंग। यू गिविंग मी फुल टॉस। दिस इज राइट चॉइस बॉस। मुझे क्या बदतमीजी है, आप ऑफिस में आए क्लाइंट के साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, शर्म नहीं आती आपको? बॉस बीड़ी स्मोक की सीढ़ी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। स्टिल प्लीज। अरे क्या हो रहा है? अरे इतनी देर से बाहर खड़ा हूँ, कोई बुला नहीं रहा? क्या नहीं बुला रहा, इतनी बार तो आवाज दी तुम्हें कि पांडे अंदर आ जाओ, कम इन पांडे, पांडे एंट्री करो पांडे। तो पांडे है क्या मेरा नाम? राम नारायण पांडे कहिए या फिर पांडे जी। अरे छोड़िए ना, जाइए चाय लेके आइए। क्या जाइए जाइए जाइए। ओ भाई साहब, ओ ब्लू शर्ट, अच्छा किया जो भी है, अच्छा किया। इनका फोटो ले लेना, बीच बीच में बुलाते रहना। अच्छा यहाँ आऊंगा मैं पिटने के लिए? मैं यहाँ पे एड बनवाने के लिए आया हूँ, एड में काम करने के लिए नहीं आया। बनवाने के लिए? सर आप क्लाइंट है? हूँ नहीं, हाँ जा रहा हूँ यहाँ से एक सेकंड के अंदर। सर ऐसा मत कीजिए सर। सर आपका नाम? सर खेड़ा एंड खेड़ा कंपनी का सोल प्रोप्राइटर मसद्दीलाल खेड़ा। ओह माय गॉड सर, वो साबुन का एड बनवाना है आपने? जी हाँ। अरे तो सर पहले क्यों नहीं बताया सर? आई एम सॉरी सर, मैं भाटिया हूँ सर और मैं इस एड एजेंसी का सोल प्रोप्राइटर हूँ सर। आप इनसे सॉरी करवाइए पहले। सॉरी बोलो जल्दी से। सॉरी। टीना सर को मेरे केबिन में लेके जाओ। यस। मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप सोल प्रोप्राइटर हैं और मैं भी एक सोल प्रोप्राइटर हूँ। जी सर, सोल सोल। यस। तुम लोग ना सब मिलकर एक दिन मेरी एक कंपनी बंद करवाओगे? ओके बंद करो कंपनी, आई मीन पैक अप। तो किस तरह का आपका साबुन? सर ये बेबी सोप है, खरा साबुन, ये 3 से 6 महीने के बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी गुड। दूध और मलाई साथ लाए? दूध और मलाई किस लिए? अरे भाई साबुन में डाला है तो टेस्ट करने के लिए तो लानी पड़ेगा ना, पता तो चले कि कैसी है मलाई और कैसा है दूध। नहीं सर नहीं, मेरे साबुन के अंदर दूध और मलाई नहीं है। क्यों नहीं है? सब में होता है, उसके बिना तो टेस्ट ही नहीं आता। सर ये खाने का साबुन नहीं है, ये लगाने का साबुन है। ओह आई सी। एनीवे हम बना देंगे बिना दूध और मलाई का ऐड। टीना कम इन प्लीज। हमारे कंपनी के डायरेक्टर हैं मिस्टर पटेल जी, उनको सारी डिटेल्स बता दीजिए। ठीक है सर। यस सर। टीना इनको पटेल साहब के पास ले जाओ। ओके सर। और मुसद्दीलाल जी, दूध और मलाई जरूर भिजवा दीजिएगा। सर लेकिन मेरे प्रोडक्ट में दूध और मलाई है नहीं। अरे भाई टेस्ट करने के लिए तो भिजवा ही सकते हैं ना। अच्छा। किधर चल रहा है? किधर चल रहा है? सही सही। अपना अंडरवियर बनियान को स्क्रिप्ट रेडी है। हाँ अपना अंडरवियर बनियान, वो जूली अंडरवियर बनियान का कॉम्पिटिटर। जी सर। सुनाओ सुनाओ। सर हम शुरू करते हैं जूली जनरल स्टोर। क्रेन। दुकान में दुकानदार और उसकी पत्नी बैठी है, पत्नी का नाम है जूली। दुकानदार गाना शुरू करता है, जूली आई लव यू। इसको थोड़ा रीमिक्स कर देते हैं, जूली। उसकी बीवी भी है, वो भी गा रही है, जूली लव यू टू। तभी एक कस्टमर आता है, कहता है जूली के अंडरवियर बनियान निकालिए। खटा घूम के एक थप्पड़ दुकानदार। कहता है जूली के अंडरवियर बनियान क्यों, अपने अंडरवियर बनियान पहनिए, अपना अंडरवियर बनियान पर्सनल। शुक्रा जरा कहां से लाते हो तुम, कौन सी माँ का दूध पिया था? एक्सक्यूज मी सर, ये क्लाइंट आपसे मिलने आए हैं, भाटिया सर ने भेजा है। टीना बेबी थैंक्स। हाँ या या कम इन कम इन। आइए जी बैठिए। हाँ तो क्या बेचते हैं आप जी? आई मीन क्या बेचना चाहते हैं जी? हमारी प्रोडक्शन कंपनी ने एक बेबी सोप लॉन्च किया है, खरा साबुन जो 3 से 6 महीने के बच्चे के लिए। ओके गुड गुड। तो आप हमें ये बताइए क्या खास बातें हैं आपके खरा साबुन में? जी खरा साबुन में सबसे खास बात यह है कि उसमें तरह तरह के तेल हैं, वो ऐसे तेल हैं जो ममता भरा स्पर्श और बच्चे की त्वचा को कीटाणु रहित कर देते हैं। और तो कुछ नहीं। नहीं तो फिर खास बात क्या है, ये तो कोई बात ही नहीं है ना। कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, उसमें ये सब डाल देते हैं, दूध मलाई खीरा बादाम नारियल नीम और टोटल 38 जड़ी बूटियां डाल देते हैं। ओके नहीं नहीं, लेकिन अब कैसे हो सकता है, तो प्रोडक्शन हो चुका है। हाँ और प्रोडक्ट में डालने के लिए कौन कह रहा है, एड में डालना है। ये कुछ जरा ज्यादा नहीं होगा? सर ये देखिए आजकल लोगों को जो है दिमाग लालची टाइप हो गया है,
जितनी ज्यादा चीजें प्रोडक्ट में डालेंगे उतनी चीजें बिकेगी। नहीं नहीं नहीं, ये गलत होगा मेरे हिसाब उनके लिए। कुछ गलत नहीं होगा, आजकल लोग बादाम, खीरा, नारियल ये सब तो डालते ही हैं, तो फिर 20-22 जड़ी बूटी तो ज्यादा डालनी पड़ेगी ना, कंपटीशन कितनी है। सर जी, आई हैव वन सजेशन। लौंग भी डाल देते हैं। सुपर। अरे लौंग तो टूथपेस्ट में डाला जाता है। तो क्या हुआ, हम आपके साबुन को टूथपेस्ट की तरह प्रमोट करेंगे। टू इन वन। आई एम सॉरी, मुझे मेरे प्रोडक्ट में सिर्फ ऑयल 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 तेल और तेल का प्रमोशन चाहिए, दैट्स ऑल। आप तेल के वजह हाथ धोकर क्यों पड़े हैं, पहले तेल बेचते थे क्या? आपको कैसे पता? क्योंकि आपके बाथरूम से तेल की स्मेल आती है। सुनो प्लीज, ये तेल मिल का चक्कर छोड़ दीजिए प्लीज, आई डोंट लाइक इट। हाँ भाई देखिए, हम जो 38 जड़ी बूटियां बोलते हैं वो डालेंगे तो ठीक है, नहीं डाली तो दो बातें होंगी, या तो आपका साबुन बिकेगा या तो नहीं बिकेगा। नहीं बिका तो मतलब बिकने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, और नहीं बिका तो दो बातें होंगी, या तो लोग प्रोडक्ट को गालियां देंगे या तो एड को गालियां देंगे। प्रोडक्ट को गालियां तब देंगे जब कोई खरीदेगा, मगर एड को गालियां दी तो दो बातें होंगी, या तो हमारी कंपनी का नाम खराब होगा या तो नहीं होगा। नहीं हुआ तो अच्छा है, मगर हुआ तो फिर यार आपके तेल के चक्कर में हमसे तेल बिकवाएंगे क्या? जाइए आप अपना ऐड किसी और से बनवा लीजिए। ओके, रिमेंबर जेंटलमैन, बगैर दूध दही लस्सी के आपका ऐड कोई बनाएगा ही नहीं, नाम खराब होता है। नहीं, अगर कुछ गलत हो गया तो? कुछ गलत नहीं होता ना, ये आपको ये पता नहीं, यमुना साबुन के बारे में कहते हैं कि यमुना के पानी से बना यमुना साबुन, और प्लांट लगाया अंडमान में, और माल धड़ाधड़ बिकता है। और फिर हम जो 38 जड़ी बूटियां की बात कर रहे हैं वो तो इजीली अवेलेबल है, पर प्रॉब्लम क्या है? फिर भी आप सोच कर बताकर फोन कर देना। ओके, नहीं नहीं नहीं, जैसा आप ठीक समझे वैसा कर लें। ओके, डोंट वरी, लीव इट टू अस। शुरा, एक तहकता महकता बेबी सोप का कमर्शियल बना दीजिए। ओके, और आप प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव उषा जी के पास पैसे जमा करा दीजिए। ओके, कितने पैसे देने होंगे? टोकन फिलहाल दे दीजिए, 5-7 लाख रुपए। जी, 5-7 लाख रुपए, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे बहुत कम है, आजकल क्या है प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ गई है ना, आपको पता नहीं है कंप्यूटर ग्राफिक्स इतने महंगे हो गए हैं। ये एक एक ग्राफिक होता है ना, वो एक जड़ी बूटी हवा में से उड़ के फ्रेम में आएगी, उसका 25,000 लगता है एक का, और अब इसका सोच लीजिए कितना लगेगा। ऊपर से मॉडल्स, लोकेशन, प्रॉपर्टीज, कन्वेंस, ये बहुत होता है ना। लेकिन मेरा तो टोटल बजट 1.5 से 2 लाख रुपए है। 1.5 से 2 लाख रीजनल सीरियल बना रहे हैं या एड बना रहे हैं? देखिए भाई, हम तो 10 लाख के नीचे तो कोई एड बनाते नहीं है। नहीं, आप कोशिश कीजिए, मुझे लगता है बन जाएगा। नहीं नहीं, हमारी क्या है, मार्केट में कोई रेपुटेशन है, हम जो एड बनाते हैं ना उनके प्रोडक्ट चले ना चले एड जरूर चलते हैं, समझो। वही सोच के और वही सुन के तो मैं आपके पास आया हूँ, मेरा बेबी सोप। डोंट वरी यार, हम जो एड बनाएंगे ना आपका साबुन इंटरनेशनली फेमस हो जाएगा, समझे। इंटरनेशनली फेमस, लेकिन मैं तो इसे सिटी मार्केटिंग के लिए बना रहा हूँ, इंटरनेशनली फेमस हो गया तो मैं इंटरनेशनल मार्केट हैंडल कैसे करूंगा? भाई जैसे सब लोग हैंडल करते हैं, प्रोडक्शन किसी और कंपनी को दे देना, आप सिर्फ रैपर लगा देना ना। क्या? हाँ सर, आपका एड एक बार टीवी पे आने तो दीजिए, घर घर में खड़ा साबुन। बस फिर तो साबुन के किंग बन जाएंगे, किंग। फिर शैम्पू, कपड़े धोने का साबुन, नहाने का साबुन, और फिर एक्स्ट्रा चीजें, पापड़, अचार, ये वो, तेल आपका। बस फिर तो अरबपति बन जाएंगे, अरबपति। यही तो मेरा सपना है। बस फिर 5 लाख के लिए क्यों रो रहे हैं आप? सर जी, जब अरबों की बात चल रही होती है ना तो ये 10-12 लाख नहीं देखते। और देखेंगे तो फिर गली गली में साबुन ले लो, ऐसे करके झोला लेके फिर साबुन भेजना पड़ेगा। नहीं, नहीं। खेरा एंड खेरा कंपनी का सोल प्रोपराइटर मुसद्दीलाल खेरा साइकिल पे चढ़ के थैला हाथ में लटकाए साबुन ले लो, कभी नहीं होगा पैसे का जमा करने। मुझे शुक्ला, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। ओके, हाँ भाई, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव उषा जी हैं, उनको दे दीजिए। उषा जी कहाँ बैठती हैं? वो तो गो नास टीना बेबी। टीना बेबी भाई, आपको जो छोड़ के गई ना वो? यस सर। ए, मारूंगी। हाँ, यू वेरी नॉटी, मैं तुमसे बात ही नहीं करती। प्लीज मत करो ना। मैंने ये कहा है कि मैं बात नहीं करूंगी, ये तो नहीं कहा कि प्यार ही नहीं करूंगी। फोन रख दो, मत करना बात। नहीं नहीं नहीं, आज रात को बिल्कुल नहीं मिल सकती। टीना बेबी, व्हाट? हाउ डेयर? नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुमने मुझे बेबी कैसे कहा? नहीं नहीं, बेबी ने बेबी 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 सोप का ऐड बनवाना है ना मैंने, तो वो दूसरी बेबी उषा जी कहाँ मिलेंगी? वो आपको सेकंड केबिन में मिलेंगी। सेकंड केबिन में? जी। थैंक यू। एंटर कर दो। हाँ, पासवर्ड डालो ना उसमें। टीना बेबी, उषा जी नहीं है वहां पे,
देखिए आप ध्यान से देखिए, वो वहीं सामने बैठे हैं। नहीं नहीं, वहाँ तो वो बीड़ी वाली बाई बैठी हुई है। वहीं उषा जी है। क्या जी? देखिए मुझे चेक जमा करना है। तो आप उनके पास क्यों नहीं जमा करते? नहीं, आप ऐसा कीजिए ना, आप मुझे चेक ले लीजिए, आप उनको दे दीजिएगा। मैं चेक नहीं ले सकती, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अकाउंट्स जो है ना वो उषा जी हैंडल करती है, और एग्रीमेंट फॉर्म भी आपको भरना है। जी जी जी, लेकिन वो अगर उनको गलतफहमी हो गई तो मैं तो स्वर्ग पहुंच जाऊंगा ना उनकी बीड़ी के चक्कर में। देखिए यू डोंट वरी। ओके पांडे जी, पांडे जी आप मुझसे तो बात ही मत करिए, अपने उस स्कूटी वाले बॉयफ्रेंड से बात करिए प्लीज। मुझे पांडे जी मत कहा करिए, आई फील वेरी बैड, अच्छा नहीं लगता मुझे। ओके पांडे, इन्हें प्लीज उषा जी के पास ले जाइए और कहिए पटेल साहब ने भेजा। चलिए, ये आप ठीक नहीं कर रही हो क्या? कुछ नहीं, चलिए। लेसन सासू मदर, मैंने जो ईमेल किया था घर के राशन का, वो मिला के नहीं क्या? तो ठीक से लॉगिन नहीं किया होगा तुमने, बस यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, फोन से इंस्ट्रक्शन देती रहूं मैं? नहीं बाबा, फोन है। ललिता जी, एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हाय ललिता, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू, जरा होल्ड करना एक मिनट। क्या हुआ, मिला कि नहीं? क्या तेल नहीं है? वो तो घर पे आने के बाद देख लूंगी ना मैं। और हाँ, वो जो बजट है ना वो सब कट डाउन करना पड़ेगा, वो काजू बादाम आपका सब बंद क्या? हाँ चलो रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। मैडम जी एक मिनट बाबा। हेलो, नहीं रे कंप्यूटर तो ठीक है, बस मैं नेट पे थी, एक नेट साइट रोमियो मिला था, क्या क्या मैसेजेस दे रहा था, माय गॉड। पटेल साहब ने भेजा ही ना। एक चल मैं बाद में फोन करती हूँ। हाँ आइए बैठिए बैठिए बैठिए। क्या बेचते हैं आप? ये एक ऐड बनवाने के लिए एडवांस जमा करना था। हाँ तो ठीक है, लेकिन बेचते क्या है? ये साबुन। नाम क्या है? मुसद्दी लाल खेरा। मुसद्दी लाल खेरा, ये मुसद्दी लाल खेरा कपड़े धोने का साबुन है? मुसद्दी लाल खेरा कपड़े धोने का साबुन नहीं है। तो नहाने का साबुन है? मुसद्दी लाल खेरा नहाने का साबुन नहीं है। पर अभी अभी तो आपने बताया कि आप साबुन बनाते हैं। जी हाँ, लेकिन ये साबुन का नाम नहीं है, मुसद्दी लाल खेरा मेरा नाम है। लेकिन अभी अभी तो आपने बताया कि मुसद्दी लाल खेरा साबुन का नाम है। मैंने कब कहा? अरे अभी अभी तो बोला। क्या बात कर रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, बोला था कि नहीं? बोलो। नहीं, अच्छा हाँ बोला होगा, लेकिन अब मैं इसका नाम बदल रहा हूँ, मैंने इसका नाम रख दिया खड़ा साबुन। क्या इतनी जल्दी नाम बदल दिया? जी अच्छा क्या, अच्छा क्या, वरना ये मुसद्दी लाल खेरा साबुन के बजाय आपका ही नाम लग रहा था। आपका नाम क्या है? खड़ा साबुन जी, नहीं मतलब मुसद्दी लाल खेरा। ये बार बार आप प्रोडक्ट का नाम क्यों चेंज करते हैं? देखिए प्रोडक्ट का नाम चेंज करने से इसकी वैल्यू कम हो जाती है, वो बिकता नहीं है। ये वैसे भी मुझे कौन खरीदेगा? क्या? नहीं नहीं, ये ब्यूटी सोप है या नहीं? बेबी सोप है। खास बातें क्या है इसकी? देखिए मेरे हिसाब से तो इसमें खास बात यह है कि इसके अंदर बेबी ऑयल है। हाँ। लेकिन पटेल साहब के हिसाब से इसके अंदर खीरा है, दूध है, मलाई है, हल्दी है और 38 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, लेकिन सिर्फ ऐड के लिए, प्रोडक्ट में नहीं है। समझ गए मैं। एक मिनट, आपको ये फॉर्म साइन करना होगा। जी ये क्या है? ये जो सब गरम मसाले और 38 जड़ी बूटियां वगैरह जो आप डाल रहे हैं ना प्रोडक्ट में, आई मीन एड में, कल को अगर कंज्यूमर राइट्स वाले पूछेंगे कि ये सिर्फ एड में ही दिखाया है, प्रोडक्ट में नहीं दिखाया है, तो इसके जिम्मेदार आप रहेंगे, हम नहीं। जी वो मैं हम तो सिर्फ वो डाल रहे हैं जो क्लाइंट चाहता है, यू नो। नहीं नहीं, मुझे तो ये सब चीजें चाहिए ही नहीं। देखिए वो क्या कहते हैं उनको, कंज्यूमर राइट्स वाले। हाँ वो कंज्यूमर राइट्स वाले आ जाएंगे तो मुझे उठा के तो अंदर जेल में कर देंगे ना। नहीं। मुझे नहीं चाहिए दूध मलाई। अरे कहाँ है दूध मलाई मुसद्दी लाल जी? देखिए भाड़िया साहब, मुझे अपने प्रोडक्ट के अंदर सिवाय ऑयल के कुछ नहीं चाहिए। तेल 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 ऑयल एंड तेल एंड ओनली तेल। आप तेल 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 पे इतना जोर क्यों दे रहे हैं? पहले तेल बेचते थे क्या? आपको कैसे मालूम? आपकी बातों से तेल की बू आ रही है। देखिए ये तेल का चक्कर छोड़िए और जैसा पटेल साहब कहते हैं वैसा करिए। नंबर वन डायरेक्टर है एड फिल्मों के, प्रोडक्ट चले ना चले लेकिन एड फिल्म जरूर चलती है। सोचिए देखते ही देखते आप इंटरनेशनल फेमस हो जाएंगे। आज का बेबी सोप बनाने वाला, कल का सोप किंग, कॉस्मेटिक का बादशाह, करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर। और जहां अरबों रुपए का टर्नओवर होता है वहां दो चार झोल झाल तो करने ही पड़ते हैं। साइन कीजिए। नहीं कुछ ज्यादा तो नहीं। नहीं नहीं, ऐसे केस में ज्यादा सजा नहीं होती है। है क्या?